नोएडा पुलिस ने एक ऐसे स्मैक तस्कर दंपत्ति को गिरफ्तार किया है जो बाहर के शहरों से नशा करने वाली सामग्री स्मैक की तस्करी कर नोएडा शहर में बेचा करते थे। पुलिस को इनके कब्जे से स्मैक की लगभग 700 पुड़िया बरामद हुई है। इन पुड़िया का वजन लगभग आधा किलो है और इनकी मार्केट वैल्यू लगभग 45 से 50 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि नोएडा के थाना सेक्टर 20 पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सेक्टर 9 की चटाई वाली मस्जिद के पास स्थित पार्क से इस दंपत्ति को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम सिकंदर और मोनिका है। पुलिस के मुताबिक यह दोनों स्मैक तस्कर बड़े ही शातिर किस्म के स्मैक तस्कर हैं और काफ़ी समय से सेक्टर 9 में ही स्मैक बेचने का कारोबार चला रहे हैं। पुलिस ने आगे बताया कि यह दंपत्ति बाहर के राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से नशीले पदार्थ की तस्करी कर नोएडा शहर में लाकर बेचते थे। वहीं इनका नोएडा में ही काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास भी है। सिकंदर नाम के स्मैक तस्कर पर नोएडा में ही लगभग 25 मुकदमे दर्ज हैं और इसकी पत्नी मोनिका पर 3 मुकदमे दर्ज हैं। ये दोनों सेक्टर 9 की झुग्गी में ही काफ़ी समय से रह रहे थे और वहीं से अपना कारोबार चला रहे थे और पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इस स्मैक तस्कर दंपत्ति को स्मैक की भारी मात्रा में पुड़िया के साथ गिरफ्तार किया। दो तस्कर पकड़े गए हैं हमारे यहाँ, सिकंदर और उसकी पत्नी मोनिका, जो सेक्टर 20 में थाना क्षेत्र के सेक्टर 9 के निवासी हैं। ये काफ़ी समय से ड्रग की तस्करी में लिप्त थे। इनके ऊपर 25 मुकदमे सिकंदर के ऊपर हैं और 3 मुकदमे उसकी पत्नी के ऊपर हैं, जो दिल्ली NCR में बाहर से ले आके इस मादक पदार्थों को दिल्ली और NCR में सप्लाई करते थे। उनको पकड़ा गया है, करीब 650 पुड़िया इस स्मैक के। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 40 से 50 लाख है।